एवरीवन, होप यू डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो गाइस कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आप लोगों ने नोना का बर्थडे का व्लॉग तो देख ही लिया होगा। उसके बाद जैसे कि मैं आपको इतने दिनों से बताती आ रही थी, उसके नेक्स्ट डे मेरे घर में शादी है, शादी है, शादी है। तो मैं वहीं जा रही हूँ, वहां के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने अपना मेकअप आज खुद किया, कल तो मेरा मेकअप वाव वाला राहिल भैया ने किया था। मुझे नहीं पता ये मेकअप वाव वाला है या नहीं है, लेकिन अपना मेकअप मैंने खुद किया है। ठीक है, ये देखो। बाकी आप कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। और मेरी आउटफिट भी बहुत वाव वाली है गाइस। एक मिनट, ओ माय गॉड, नहीं हो रहा। मेरी आउटफिट भी बहुत वाव वाली है। मैंने येलो और मजेंटा का कॉम्बिनेशन पहना है, बहुत प्यारा लहंगा है। ये भी कल की तरह, जो कल की आउटफिट थी वो भी मेरी सतरंग से थी, और ये वाली आउटफिट भी मेरी सतरंग से थी। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, वेट। और गाइस ये देखो मेरा फुल लुक कैसा लग रहा है, मेरा इतना प्रीटी प्यारा लहंगा। और गाइस ये मेरा जो फंक्शन है, ये जो शादी है, इन लॉज के रिश्तेदार में, तो इसीलिए मैंने अपना दुपट्टा ऐसे कैरी किया है। और गाइस देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने अपने कर्ल्स नहीं खोले थे, कल वाला है मेरा हेयर स्टाइल, कल वाला ही चल गया क्योंकि मेरा मन नहीं था दोबारा हेड वॉश करने का, फिर हेयर स्टाइलिंग कराने का। तो इतना झंझट मुझसे नहीं होता, मैं ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे काम चला लेती हूँ। देखो मैं फिर भी कितनी सुंदर लगती हूँ ना, लेकिन मैं चला लेती हूँ ऐसे काम। और ये मेरा बहुत प्यारा लहंगा हमेशा की तरह सतरंग से है। आप कमेंट करके बताना कि मेरा ये वाला लुक भी कैसा लग रहा है। मैंने चूड़ा वूड़ा सब पहना है, मैं प्रॉपर अच्छे से रेडी हुई हूँ। ठीक है, और इसका बैक बहुत अच्छा आपको दिख रहा होगा, ये देखो पूरा बैकलेस है, बहुत प्यारा है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना कि मैं आज भी कैसी लग रही हूँ। कल के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, थैंक यू, लव यू सो मच। कल सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, मिठू दीदी आप बहुत प्यारे लग रहे थे, आप क्यूट लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। लेकिन आज भी आप कमेंट, इस वाले व्लॉग में भी आपको कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, और सिर्फ कोमल दीदी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनका पता नहीं क्या क्या ही रह जाता है, हमेशा हमेशा ऐसे ही करती है, हमेशा। बेचारी बच्ची को भी रेडी नहीं किया। आगो ला गया हो दीपू से लाइट में। हाँ हाय, इसको पीछे से रेडी नहीं किया, पता नहीं क्या ही रह जाता है, हमेशा उनकी यही हैबिट है, हमेशा लेट करती है, हमेशा। और गाइस मैं रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन दुपट्टा सेट होने में नहीं आ रहा, दोनों पिन यही बार बार उतर ही जा रहा है, हैवी है ना बहुत ज्यादा, बॉर्डर इतना हैवी है कि वो इस पिन में ना अटक ही नहीं रहा है, स्टक ही नहीं हो रहा है। अब पता नहीं कैसे क्या करूंगी, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लॉज का फंक्शन है तो इतना तो ऑब्वियसली बनता ही है। बाकी आप बताना, ठीक है ना। और अभी हम सारे जा रहे हैं, माँ जी भी वेट ही कर रही है बस बेचारी, आधे लोग तो चले ही गए हैं, आधे लोग तो चले गए हैं, घर के सारे बंदे बस हम ही रह गए हैं। माँ जी चुप, बस हम ही रह गए हैं, और सारे चले गए हैं। अर्पण वर्पण तो पहले ही अपनी अलग अलग गाड़ी में चले गए थे। ताकि बताना आप कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। अरे नितेश बाहर धुलवा के तो आएगा, अब क्या रह गया आपकी गाड़ी का? गाइस इनकी गाड़ी साफ होने में नहीं आ रही, पता नहीं कैसे साफ कर रहे हैं गाड़ी को। तो चलो गाइस आ गए फाइनली, चलते हैं, निकलते हैं, फिर आप आगे जाके मिलते हैं आपसे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइस जैसे कि क्या ही बताऊँ, मेरा मूड बहुत अपसेट है गाइस। कल शादी में गए थे, और मैं कल अभी बैठ गई थी, भारी भारी आवाज़ हो रही है। तो गाइस मैं तो, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा माइका नहीं था, मेरे ससुराल में फंक्शन था, तो मुझे तो ऐसा बहू वाले गेटअप में ही रहना था, मतलब ऐसे भी नहीं, लेकिन मुझे अपना लहंगा संभालना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी था। तो मेरा फ़ोन जो है दीपू के पास था, कभी कोमल दीदी के पास था, कभी अर्पण के पास था, तो कभी इनके पास था। मतलब कल तो मुझे अपने फ़ोन का होश ही नहीं था कि मेरा फ़ोन है कहाँ, और उसी दौरान में मेरा व्लॉग रह गया। फिर मैंने आरता भी किया था, उसकी भी क्लिप्स नहीं ले पाई। मतलब कल बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अच्छी थी, मैं कैच कर सकती थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो मेरा फ़ोन मेरे पास ही नहीं था इस वजह से। तो वो तो मिस हो गया, लेट इट बी, शादी का पूरा व्लॉग गया, मेरे व्यूज गए, मेरे पैसे गए, बहुत दुख हो रहा है मुझे भी, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं यही कल वाले व्लॉग में ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो गाइज आज फिर से एक इवेंट था, तो मैं वहीं जा रही हूँ, और उदित ने बुलाया था तो जाना ज़रूरी था, इसीलिए मैं और नितेश ही जा रहे हैं। तो हम शादी में ऐसे ही आए हैं सीधा, तो हम, मैंने तो यही सूट पहना है, क्योंकि मैंने ये सिर्फ रात को ही पहना था चेंज करके, रात को तो क्या सुबह ही पहना था चेंज करके। तो फिर मैं वापस, हम जल्दी घर आ गए थे, मतलब हम विदाई से पहले ही घर आ गए थे, तभी चेंज किया था, तुरंत बैठी, आधा घंटा मुश्किल, सोने की जगह नहीं मिली,
भैया घर चलो, क्योंकि टायर्ड थी अब सुबह बहुत दूर इतना ट्रैवल करना, गाजियाबाद जा रही हूँ वापस से वैशाली, तो फिर मुश्किल हो जाता ना पूरी रात फिर वहाँ रहते, नींद पूरी नहीं होती। और मेरा तो चलो देखा जाता कि मुझे हैबिट है तो मैं कर भी लेती, लेकिन नितेश की तबीयत ख़राब है ना, तो इनको फीवर हो जाता है फिर पेन के दौरान, तो इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं आपको रेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये देखो सो ही रही है कैब में भी, तो इसलिए फिर कैब से जा रही हूँ कि रहने दो आप गाड़ी, रहने दो घर पे ही, कैब से चलते हैं, कैब से ही आ जाएंगे। हो और मैं कैसी लग रही हूँ बताना कमेंट करके, ठीक है? आप हमेशा बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स ही करना। बाकी आज देखो उसी जो लास्ट इवेंट के लिए गई थी वही सेम सॉन्ग के लिए इवेंट है, तो आज देखते हैं सपना मैम आएगी या नहीं आएगी। बाकी का व्लॉग मैं आपको वहीं जाके दिखाऊंगी। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं जानकार वाले इस बार, थैंक गॉड। वैसे तो सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं जब नए नए लोगों से मिलते हैं, तो सभी दोस्त बन जाते हैं और मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है, तो आज लेकिन पुराने वाले भी आएंगे मेरे, जैसे कि कन्नू आ रही है, सिर्फ उसका ही पता है बाकी और किसी का नहीं पता। तो अभी जाके दिखूंगी, मैं खुद देखूंगी फिर आपको भी दिखाऊंगी, मिलाऊंगी कि कौन कौन आया है, ठीक है? इस मैंने कहा था ना आपको कि इस बार मेरे सॉन्ग बनाना, मैंने कहा था ना आपको कि इस बार मेरे सारे नोन्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी बहनें आ रही हैं, तो मैं बता दूँ कन्नू आ रही है, आंचल आ रही है, प्रेरणा आ रही है, गुन्नू आ रही है यानी कि कशिश आ रही है, और पम्मी जीजू भी आ रहे हैं। तो चलो हमारा तो ये हो गया कि हाँ, वैसे पिछली बार भी हम बोर नहीं हुए थे, काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस बार और ज़्यादा अच्छा लग गया क्योंकि हमारे मेन्स आ रहे हैं ना इसीलिए। हाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, कोई नहीं, वैसे तो अभी मेरे नोज़ में कोई नहीं पहुंचा, प्रेरणा भी नहीं पहुंची, गुन्नू भी नहीं, ओ गुन्नू तो साथ ही है, कशिश आंचल भी नहीं पहुंची, कन्नू भी नहीं पहुंची, तो मैं मुझे लग रहा है हम सारे साथ साथ ही पहुंचेंगे, लेकिन हम मुझे 15-20 मिनट पहले पहुंच जाएंगे शायद, 10 मिनट्स का डिफरेंस होगा, कोई नहीं यार चलो आराम से चलते, पिछली बार हमने वैसे भी बहुत वेट किया था, इस बार टाइमली पहुंच जाएंगे ना। पिछली बार हम गए तो लेट ही थे, लेकिन सपना मैम बताया था लास्ट टाइम भी थोड़ी वो हो गई थी कि सपना मैम थोड़ी लेट हो गई थी या पता नहीं, वो अपने टाइम पर थी, तो वो डायरेक्ट अपने शो से आ रही थी ना इसीलिए। अभी चलकर फिर पहुंच जा दूंगी, फिर बताऊंगी आपको, ठीक है? अच्छा तो गाइज आप देख सकते हो हम इंडिया गेट के यहाँ पहुंच गए और कितने सारे फॉरेनर्स आए हैं। क्या लेने आते हैं भैया ये? अच्छा ये लेने आते हैं, अच्छा देखने आते हैं। तो गाइज ये कमल के जो फूल है यहाँ पे हमारे इंडिया गेट में, हमारे इंडिया में गाइज, तो ये फॉरेनर जो बाहर से आते हैं ना, तो ये देखने आते हैं सिर्फ। ओह माय गॉड, फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं और ये रहा हमारी लोकेशन, होटल रोशा इन, और वो रही पम्मी जीजू की गाड़ी, बताती हूँ रही पम्मी जीजू की गाड़ी, दिख गई ना नितेश एक मिनट, चलो। तो गाइस आज यहाँ है हमारा इवेंट, पहुंच गई थी ये सब डांस करने, मैंने क्या आपको पहले वाली क्लिप पे दिखाया ही होगा, मैं जब पहुंची तो स्टेज पे ही खड़े थे ये सारे डांस कर रहे थे, तो दिखाती हूँ मिलाती हूँ अभी थोड़ी देर में आप सब से। आ कर यार डांस होगा, डांस कर ले, क्यों तू तूने मैं नोरा के बर्थडे में भी कर दिया था प्रैक्टिस, क्या कैसे बैठ गए, ये कैसे बैठ गए शादी में, थैंक यू मैम, थैंक यू कमिंग। और इसके बाद जो हमारे बीच जो परफॉर्मेंस होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, Thank you.
मेरी बहन और छोटे बच्चे सभी के मैं आज नु कह रहा हूँ भाई, तुम्हारा भाई गलत ना शेर यू पीटी उनके मारे है नेता जी, यू शेर की कट जाके पर झूठ ना बोलते ना शेर गलत। और हमारे भाई साहब माइक भी हाथ में ले लू ना, बहुत डरे यानी दुनिया देखे शेर बैर आगे ने सिस्टम हैंग कर दो। अरे एक सबसे बड़ी बात खुशी की बात, तुम्हारे भाई को बिग बॉस में भी नंबर आगो पर तुम्हारा भाई जाना क्योंकि यू छोटा हो, तुम्हारा भाई बटे में जागो। मैं शेर भाई या तो रेल में या जेल में सर, शेर सर, शेर सर के बारे में अरे मैं तो बहन हूँ उनकी, मैं बहन हूँ इनके फैन मोमेंट्स। और क्या, तीनों डांगर एक साथ खा रहे हैं ये बहन क्यों नहीं पूजा, ये रहे हम सारे खा रहे हैं तो ही खा। अरे मैंने छोड़ दिया जान खा ले, हमारी प्लेट है, हमारी प्लेट में ज्यादा है। हाँ कोई बात नहीं, तो गाइज ये हमारी प्लेट मेरी कन्नू की और गुन्नू की, हम तीनों एक साथ खा रहे हैं और आचल चली गई है और इनसे भी मिले। हाय हाँ बता ला दे, देख ले रोड पे ओवर डांस। गाइस मैं आई थी कैब में लेकिन शेरी कह दे आंटी, आंटी आंटी कह दे निशी वहाँ जाई थी, मैंने कहा निशी चल मुझे छोड़ दे यार, हमारा साथ भी हो जाएगा कि निशी वो कहते छोटा मैं तो बड़ा दे मौका है ना स्टेज पे, मैंने कहा था मैंने जल्दी से डांस किया था सबसे ज्यादा मैं। हां भाई निशी चिल्लाई, कैमरे वाला मुझे देख रहा तू पीछे चली ना पानी में पता नहीं क्या, तो मैं अकेली चिल्ला रही, मैंने सोचा कन्नू पीछे चिल्लाएगी, मैंने देखा ये आई नहीं, कैमरे वाला मुझे मैंने बोला छोटा चली गई चिल्लाने के लिए, छोटा बैग सुन तू चिल्लाई सुन कैमरे वाला मुझे देख रहा ढोरन की डाल चिल्ला रही है, तो चिल्लाई नहीं ना कुन्नू तू हंस मत अब, मैं इसके इसने मेरी वीडियो काट दी, सबके टकले लिए मेरे मुंह ही नहीं लिया। कहीं निजी वहां को इतना गुस्सा हो गया, तू यही बैठी रहा हिलेगी नहीं आज है ना बैठी रहेगी। की वीडियोस ना मैं ऐसी बनाती हूँ मिट्टू की हो चाहे कन्नू की चाहे किसी की भी हो, कहीं भी इवेंट में मैं सबकी वीडियो बनाना भूलती नहीं हूँ, पर मेरी इन तीनों कुतिया में से कोई भी नहीं सही। तो गाइस हम साथ साथ अब कैसे घिस पिस के जा रहे हैं ना, ये बैठे नितेश और ये कन्नू गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि गाइस मैं कैब से आई थी, मैं गाड़ी से नहीं आई थी, तो इसलिए निशी के बारे में गाड़ी बेच दी देखती ना नहीं भाई आज रेंट पे दिए कहीं शादी में नहीं क्या समझ गई ना, अब फॉर्चुनर लेंगे पांच लाख वाली फॉर्चुनर लेंगे नहीं गाइस नहीं यार तुमने थार की स्टोरी तो डाली थी, तुम लाई नहीं, नहीं यार वो आई नहीं, बस बजट लाके गिफ्ट नजर लगी पहले, बजट हिल गया उसका यार, वो हुआ हो नहीं पाया, पहले स्टोरी हो रही है नजर लगी, मैंने नजर लगा दी होगी, नेक्स्ट टाइम सरप्राइज दूंगी, पर यार मुझे थार नहीं लेनी, कुछ और ले लियो, गाड़ियों की बात करे तो इन्हें वीडियो दिखा जो हम बना के आए तो गाइस अभी हम यहाँ रुके हैं, कन्नू को जाना था तो कन्नू को हमने छोड़ दिया और अभी हम यहाँ रुके टॉय शॉप पर, और नितेश नितेश भैया से प्राइस पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद मुझे दिला रहे हैं, हाँ क्या दिला रहे हैं मुझे क्या दिला रहे थे, आप प्राइस की पूछ रहे थे, देख मेरे लिए छोटी और मेरे लिए और भी छोटी, आप तो उसका प्राइस पूछ रहे थे ना पांडा का, इसका क्या मना कर रहे हैं, कभी कुछ दिला दिया करो ना मुझे, भैया कहाँ हैं यहाँ पे, ये देखो गाइस यहाँ रील बन रही है, तो गाइस टाइम में आगे तो झुरकी दो रही है, गुल्लू का दिखा दो, बाय 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 बाय, तो गाइस हम लोग आ गए थे और ये बेचारे आज हम जा रहे हैं ऑटो में, चलो ब्लॉग में आते हैं आप लोग, हाँ जी हाँ ब्लॉग में आते हैं, मिट्टू प्रेरणा कशिश मम्मी नहीं बनाऊं। तो गाइस हम आ गए थे घर और हम तो लेट ही पहुंचे, हम 8:30 बजे आए हैं, अभी 9 बज रहे हैं, आधा ही घंटा हुआ है, हुए कपड़े वपड़े चेंज किए हैं, अभी मेकअप भी रिमूव नहीं किया है, और नितेश सो गए, इनकी वैसी तबीयत खराब चल रही है लेकिन भूख लग रही है बहुत तेज़,
खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, कल शादी की थकावट, आज इवेंट में वापस सोई नहीं, थोड़ी देर सोए थे, फिर आज इवेंट, अब की थकावट, और फिर कल दोबारा शादी में जाना है वो थकावट, और अब मेरी आवाज़ भी, मेरा गला बैठ चुका है, आदमियों वाली आवाज़ हो चुकी है मेरी, प्लीज़ अवॉइड करना। और अभी हम बाहर से ऑर्डर ही करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे, देखते हैं क्या मंगाना है क्या नहीं, जब ये उठेंगे अब तभी, क्योंकि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, लेकिन ये सो गए क्या ही करूँ। तो चलो इस व्लॉग का करते हैं नहीं, होपफुली आपको पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और जल्दी जल्दी मेरे भी 2 लाख करा दो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।